हरियाणा के अंबाला से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में आई इस महिला ने विज के सामने अपना गुनाह कबूल किया तो वहां खड़े सभी व्यक्ति हैरान रह गए। ये गुनाह कोई छोटा अपराध नहीं बल्कि महिला के पुलिसकर्मी पति की मौत से जुड़ा हुआ था। दरअसल महिला ने विज को लिखित चिट्ठी देकर बताया कि उसके पति की मौत उसी की वजह से हुई थी क्योंकि उसने अपने पति को बांध दिया था। अनिल विज के दरबार में पहुंची महिला ने अब खुद को सजा दिए जाने की मांग की है। कल एक महिला आई थी और वो बहुत रो रही थी। उसने मुझे अपनी दरखास्त दी और दरखास्त में लिखा हुआ था कि 2 साल पहले जो मेरे पति की मृत्यु हुई थी वो मृत्यु नहीं थी, वो हत्या थी और वो मैंने की थी और मैं उसकी सज़ा भुगतना चाहती हूँ और आप मुझे पुलिस के हैंडओवर करें। तो मैंने पुलिस के हैंडओवर उसको कर दिया। पुलिस उसको थाने में ले गई। आगे क्या हुआ मालूम नहीं, जो हम कर सकते हैं वो हम करते ही हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में आए दिन प्रदेश भर से फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं। ऐसे ही एक महिला भी अनिल विज के दरबार में फरियादी बनकर आई और उसने अपनी लिखित शिकायत अनिल विज के हाथों में सौंप दी, जिसके बाद महिला की चिट्ठी पढ़कर खुद अनिल विज भी हैरान रह गए और मौके पर खड़े DSP को तुरंत एक्शन लेने के लिए आदेश दे दिए। दरअसल इस चिट्ठी में महिला ने अपना गुनाह कबूल किया था। महिला ने जो चिट्ठी अनिल विज को दी उसमें साफ साफ लिखा है कि महिला और उसके पति जो पुलिस में थे दोनों के बीच झगड़ा रहता था और पति की मौत के दिन महिला ने अपने पति को चुन्नी से बांध दिया था जिससे कि इस महिला के पति की मौत हो गई थी। लगभग 2 साल बीत जाने के बाद अब इस महिला को अपने किए पर पछतावा हुआ तो महिला ने हरियाणा के गृह मंत्री के सामने पहुंचकर फांसी और जेल जाने की मांग की है, जिसके बाद अनिल विज ने मौके पर खड़े DSP को तुरंत महिला पर कार्रवाई करने को कहा। फिलहाल महिला पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने महिला के कबूलनामे के आधार पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये अभी कंप्लेंट हमें मिली है, आज इन्होंने मंत्री जी को कंप्लेंट ओब्लिक इसको कन्फेशन कह सकते हैं, कन्फेशन ये मंत्री जी को लिखित में दिया। इस पे कन्फेशन के आधार पर हम इसमें FIR लॉन्च करेंगे। FIR लॉन्च करने के बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये जो कह रही है ठीक कह रही है। उसी के आधार पर इसमें जो अभी तक जो मुझे पता लगा है, ये कि पुलिस कर्मचारी था जिसकी हुई 2 साल पहले डेथ हुई थी, तो उसका पोस्टमार्टम वगैरह भी हुआ, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड के लेकर उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर क्या कन्फेशन किया है महिला ने, क्या कुछ करा है? अभी इसने कोई ज़्यादा क्लियर बात नहीं लिखी है उसमें। कंप्लेंट में यही लिखा है कि भाई जो मेरे पति की जो मृत्यु हुई है उसका कारण मैं हूँ, मैंने उसको बांध दिया था। तो बीच में पूछताछ करेंगे, इंटरोगेशन करेंगे अलग अलग पहलू पे और जो बात सामने आएगी उसके मुताबिक कानून कार्रवाई करेंगे। जानकारी देते हुए SHO ने बताया कि महिला की चिट्ठी के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अपने पति की मौत का खुद को जिम्मेदार महिला को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से देखना होगा कि फांसी या जेल की मांग कर रही महिला के कबूलनामे पर कोर्ट क्या निर्णय लेगा। अंबाला से न्यूज के लिए कृष्ण।